सर भावेश कुमार चौहान डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बीबीटी एन आई टी एम आप सभी का पावर सिस्टम एनालिसिस कोर्स में स्वागत करता हूं। आज हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे जिसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं निम्नलिखित बिंदुओं जैसे सर्वप्रथम स्टेबिलिटी क्या होती है एक स्टेबल सिस्टम से हमारे क्या मायने हैं देन टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के कितने प्रकार हैं और स्टेबिलिटी या किसी भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए एक निश्चित रेंज होती है तो वो टॉलरेंस लिमिट क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी के लिए उसको भी हम समझेंगे साथ में स्टेबिलिटी के कई प्रकार में एंगुलर स्टेबिलिटी जिसको रोटर एंगल स्टेबिलिटी भी कहते हैं उसकी एक विशेष भूमिका है उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे एंगुलर स्टेबिलिटी में भी कई प्रकार हैं जिसमें विशेषतः स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी है आज हमारी चर्चा विशेष रूप से स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी पर केंद्रित होगी एंड देन इसी रेफरेंस में आगे हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंतर्गत और डेरिवेशन ऑफ स्विंग इक्वेशन और उस पर एक आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे स्टेबल सिस्टम क्या है स्टेबल सिस्टम या स्टेबल टी के क्या मायने हैं आप इसको इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक एबिलिटी है किसी भी सिस्टम की डिस्टरबेंस को बियर करने अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज़ एन एबिलिटी to withstand the disturbance without losing out the synchronism. तो stability, stable system से क्या मायने हैं एक साधारण अगर example देखें तो अगर एक इंसान को कोई दूसरा इंसान अनर्गल बातें कह देता है और उस अनर्गल बात के से दूसरा इंसान या तो react नहीं करता या कुछ ही समय में वो अपनी normal state में आ जाता है तो हम ऐसे इंसान को stable कह सकते हैं इसके विपरीत अगर कोई इंसान किसी के कुछ कह देने पे अपना आपा खो देता है तो उसको हम अनस्टेबल पर्सन कहते हैं इसी को अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉंट में देखें तो पावर सिस्टम में जाने अनजाने एक्सीडेंटली और अदरवाइज़ डिस्टरबेंस होते रहते हैं तो उन डिस्टरबेंस को सहने की सिस्टम की क्या क्षमता है कि वो उन डिस्टरबेंस के बावजूद अपनी नॉर्मल स्टेट को बरकरार रखे हो सकता है कुछ समय के लिए उसकी कुछ पैरामीटर्स बदल दें लेकिन अगर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन से मैं फिर से रिस्टोर हो जाता है तो हम उसको स्टेबिलिटी कहते हैं या स्टेबल सिस्टम कहते हैं तो टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के अगर हम आ, प्रकार कहें तो उसमें मुख्यतः वोल्टेज स्टेबिलिटी आती है दूसरा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी और तीसरा रोटर एंगुलर स्टेबिलिटी या जिसको एंगुलर स्टेबिलिटी भी कहते हैं वोल्टेज स्टेबिलिटी के क्या मायने हैं तो ये आ, अगर ये देख अगर आप इस सिस्टम को देखें ध्यान से तो इस सिस्टम में स्टेबिलिटी पे तो अगर इस सिस्टम को अगर हम देखें तो इसको अगर पुश करें किसी भी तरफ अगर लेफ्ट में या राइट right में तो आप देखेंगे तो इट विल रियली फॉल डाउन इट विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन सो इट दिस सिस्टम विल बी कॉल अनस्टेबल सिस्टम कंट्रेरी टू दिस इसके विपरीत अगर इस वैली पॉइंट को देखें तो अगर इसमें हम कोई फोर्स एक्ट करेंगे तो ये अपनी दिशा को बदलेगा और उसके बाद स्वतः ही वापस आएगा हो सकता है कुछ दूरी तक यहाँ जाए इसके बाद फिर ये वापस इधर स्विंग आएगा और ये एम्पलीट्यूड लगातार कम होता चला जाएगा और अंतः ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा तो ऐसे सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं तो स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल देन वोल्टेज स्टेबिलिटी पे जैसा हम कह रहे थे इसके क्या मायने हैं वोल्टेज स्टेबिलिटी से मायने हैं कि द वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट इट डज़ नॉट चेंज और इट चेंजेस विद इन ए सर्टन लिमिट अगर वोल्टेज स्टेबिलिटी की बात कहें तो ये प्लस माइनस फाइव परसेंट रहता है ये अंतरराष्ट्रीय मानक है और वोल्टेज स्टेबिलिटी पर अगर चर्चा कहें तो पूरी पूरी बुक्स भी लिखी हुई हैं लेकिन यहाँ हमको इसको इस कायदे से समझना है कि हम वोल्टेज स्टेबिलिटी से ये मायने हैं कि सभी बसेस जो नेटवर्क सिस्टम में बसेस हो सकता है ट्वेंटी हो वन थाउजेंड 500 फाइव हंड्रेड तो वहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रहे या फाइव परसेंट प्लस माइनस की रेंज में रहे तो आप का वोल्टेज कॉलेप्स नहीं होगा वोल्टेज फॉल आउट नहीं होगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंश्योर करना होता है एज़ ए पावर सिस्टम इंजीनियर कि वोल्टेज स्टेबल रहे मीन कॉन्स्टेंट रहे सो दैट द सिस्टम डज नॉट कॉलेप्स सिमिलरली फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी से मायने हैं कि फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहे फ्रीक्वेंसी शुड नॉट चेंज और इफ़ इट चेंजेस द टॉलरेंस लिमिट द स्टेबिलिटी लिमिट इज़ वन परसेंट ओके प्लस माइनस वन परसेंट यानी कि अगर भारत के बात करें तो फिफ्टी हर्ट्स uh, जो है वो मानक फ्रीक्वेंसी है प्लस माइनस वन परसेंट से मायने हैं कि फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव टू फिफ्टी पॉइंट फाइव इज द फ्रीक्वेंसी रेंज इसके कई तरीके हैं लेकिन क्योंकि आज हमारी चर्चा विशेष रूप से केंद्रित है एंगुलर स्टेबिलिटी पर तो एंगुलर स्टेबिलिटी मैं जैसा पहले भी कहा कि दो विशेष प्रकार हैं जिसमें कि स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी है और ट्रांजेंट स्टेबिलिटी है स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी से मायने क्या हैं स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी से मायने हैं कि अगर कोई डिस्टरबेंस ग्रेजुअल है और स्लो है जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल लोड की बात करें तो सिस्टम में किसी भी पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ता घटता रहता है लेकिन अगर ये बढ़ता हुआ लोड या घटता हुआ लोड ग्रेजुअल है स्लो है तो इसको हम स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी के अंतर्गत समझते हैं पढ़ते हैं जबकि इसके विपरीत ट्रांजेंट स्टेबिलिटी में सडन चेंज ऑफ लेंड लोड को समझा जाता है सडन चेंज ऑफ लोड से क्या मायने हैं सडन चेंज ऑफ लोड से मायने हैं जैसे स्विचिंग ऑपरेशंस या लॉस ऑफ लोड या लॉस ऑफ जनरेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर फॉल्ट्स तो ये सारे हम ट्रांजेंट स्टेबिलिटी के अंतर्गत Uh, पढ़ते हैं रिलेटिवली लार्ज डिस्टर्बेंस दैट इज वट वी वी आर सेडन सडन सडन मीन्स दे आर शार्प दे आर दे मे बी रैंडम बट इफ दे आर विद इन अ लिमिट ऑफकोर्स वी विल से दैट सिस्टम इज एबल टू रिगेन इट्स नॉर्मल पोजिशन वी विल कॉल इट ट्रांजेंट स्टेबल पावर सिस्टम डायनेमिक स्टेबिलिटी डायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो एक तरीके से स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी का ही प्रकार है और इसको स्मॉल डिस्टरबेंस के अंतर्गत ही समझा जाता है बट वो डिस्टरबेंस पीरियडिक है तो अगर वो डिस्टरबेंस पीरियडिक है रिपीटिटिव है तो देन वी डिस्कस इट द हेड ऑफ डायनेमिक स्टेबिलिटी देन सो इट इज अ कैपेबिलिटी स्टडी स्टेबिलिटी इज ए कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम टू मेंटेन टू मेंटेन इनिशियल कंडीशंस after the disturbance or to resume the normal positions even if the disturbance is present so it is a restoring uh, capability of a system now it concerns with slow and gradual as i said earlier now in this context singh equation is a very popular uh, uh, equation which describes the relative motions between the rotor axis एंड एंड द सिंक्रोनसली रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम तो आप यहाँ देखिए कि बेसिकली अगर हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें तो हमारा रोटर होता है उस पर एक एक्साइटेशन दिया जाता है साथ में अगर स्टेटर पर देखें तो सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है जो कि ये रोटर का जो पोजिशन है दिस इज वॉट इज दिस दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर ओके एंड दिस इज ए सिंक्रोनोसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिस इज ए सिंक्रोनोसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज ए रेफरेंस एक्सेस तो हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है बिटवीन लोड एंगल जिसको डेल्टा भी कहते हैं उसका टाइम के साथ क्या वेरिएशन है सो दैट इज वट वी सी अंडर द हेड ऑफ स्विंग इक्वेश्स So you might have seen this curve. This is a delta. This is a t. This is the time. Okay. There are certain assumptions that we uh, presume in the sing equations. The two major assumptions are: damping is neglected, and machine is considered lossless. So let's see see this sing equations. So this is uh, let's say theta angle, this is a reference axis, this is a reference axis, this is a delta naught, this is a initial rotor angle. So, you can see in this equation, this is the time t, this is a time t, this is time t ok. So, uh, if this is delta naught, this is the initial rotor angle after time t, what will be the value of theta? So, this is theta after time

इफ यू सी दिस इक्वेशन एंड इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी तो वट विल बी द फॉर्म द फॉर्म विल भी ओमेगा एस बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी सो इट विल बी ओमेगा एस दैन दिस विल बी डी डेल्टा बाई डी टी ओके एंड दिस इज डी थी बाई डी टी सो दिस इज ओमेगा आर ओके इफ वी डबल डिफरेंशिएट दिस सेम इक्वेशन Okay, Then we get this acceleration, this is an angular acceleration. So, this will be d omega r by dt, okay. r is the uh, rotor angle uh, speed, rotor rotor speed and this omega s you know synchronous speed is constant. Since synchronous speed is constant, so this will be uh, 0 okay. and uh, this will be d 2 delta, this because we are taking second derivative d 2 square. So, from this we can understand that this is this is alpha okay this will be equal to d omega r by dt okay so and this is equal to d2 delta by d, dt so we can say with this part that d2 theta upon dt square will be equal to d2 delta upon dt square mean meaning thereby this acceleration will be uh, equal to एल्फा विल बी इक्वल टू डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर मींस रोटर एंगल का जो टाइम के रेफरेंस में सेकेंड डेरिवेटिव आएगा यानी कि स्पीड का रोटर एंगल स्पीड को आपने फिर से फदा डेरिवेट किया है तो ये जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू द एंगुलर एक्सेलरेशन बिसाइड दैट देर इज़ अनदर फॉर्मूला पी इक्वल टू एम एल्फा ओके बिकॉज वट इज़ पी ए पी ए इज इक्वल टू यू नो T is an accelerating torque, okay, which is equal to Tm minus T. What is Tm? Tm is the mechanical torque. This is a mechanical torque. And what is T? T is electrical torque. It is a electrical torque. So if you multiply this this with omega, omega r, then you also multiply this with omega r, and you also multiply this with omega r. So you will get basically p m minus p okay p m minus p. So this p a is basically accelerating power this is this is accelerating power. So at a steady state we can understand that these two P m and P e will be equal okay. So P A is 0. Uh, but, if from this uh, formula you can uh, see that what is alpha, alpha is d 2 theta upon d t square. So, if you substitute m uh, alpha with this you get P A equal to m uh, d 2 theta by this and P A is will be equal to like this because this can be replaced with this that we found out in this equation ok. So, this is also called the swing equation, this is also called तो ये स्विंग इक्वेशन का ही प्रकार है स्विंग uh, इक्वेशन को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पी ए इक्वल टू जी एच वन एट्टी एफ मल्टीप्लाइड बाई डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर बेसिकली एम विच इज एनर्शिया कॉन्स्टेंट दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज जी एच बाई वन एटी एफ सपोज कीजिए कि आपको एम की वैल्यू जो एनर्शिया कॉन्स्टेंट है वो uh, एम वी ए में दिया हुआ है तो आप और वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिग्री में है तो देन आप एम को रिप्लेस कर सकते हैं एम इज ऑल्सो इक्वल टू जी एच अपॉन वन एटी एफ ओके एंड जी इज वट इज जी जी इज बेसिकली द एम वी ए बेस इट इज एम वी ए बेस और अगर आपको पर यूनिट में ये एक्सप्रेशन निकालना है तो यहाँ जी यू यू विल नॉट बी हैविंग जी यू कैन ऑल्सो राइट बिकॉज दिस विल बी इन ए यूनिट ओके मेगा वॉट बट दिस विल बीफ यू टेक एच बाई वन 180f एफ वन एट्टी एफ मल्टीप्लाइड बाई डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर देन द आंसर विल बी इन पर यूनिट मैं यानी कि अगर सिंगल क्वेश्चन को पर यूनिट के एक्सप्रेशन में लिखना है जो कि इलेक्ट्रिकल डिग्री में है तो देन यू नीड नॉट टू राइट इवन जी यू कैन स्टेट अवे राइट एच अपॉन वन एट्टी एफ ओके मल्टीप्लाइड बाई डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर तो दैट विल बी इन पर यूनिट बट इन इलेक्ट्रिकल रेडियन so there are various forms of swing equations the another forms another form could be uh, you can also write uh, swing equation as uh, yes gh 180 instead of 180 you can write pi f okay so, this is d2 delta upon dt square. This is also a form of swing equation. So, basically, swing equation original form is PA m d2 delta upon dt square. But if in numerical or if in question or if in data the value is not straight away given in form of m, then you can also use these forms because the value uh, the, the input values may be in form of h, it may be mva base might be given which is equal to g or the Data might be given in per unit. So, instead of writing m, you can also write h upon 180f or h upon pi f. So, this is basically with reference to the different input values. Okay. So, this is let us take a simple numerical. Uh, it is a, a three phase, two pole, 50 hertz synchronous generator has a rating of 250 MVA.

डेल्टा uh, है जो रोटर एंगल है जिसको लोड एंगल भी कह सकते हैं पावर एंगल भी कह सकते हैं ओके इट इज गिवन एज टेन इलेक्ट्रिकल डिग्री ओके एंड लोड इज सडनली रिमूव्ड मीन्स आफ्टर द फॉल्ट मीन्स इट इज गिवन दैट विद द डिस्टर्बेंस द लोड इज सडनली रिमूव्ड नाउ एल्फा इज कॉन्स्टेंट फॉर टेन साइकिल इट इज गिवन फॉर दिस प्रॉब्लम दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट फॉर टेन साइकिल्स यानी कि दस साइकिल्स तक जो आपका एंगुलर एक्सरेशन है वो नहीं बदल रहा है तो क्वेश्चन इज आस क्वेश्चन इज रेजिंग एन ऑब्जेक्टिव दैट वट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा आफ्टर फाइव साइकिल्स तो जैसा कि दिया हुआ है कि इट्स ए क्या क्या हमारे पास इनपुट डेटा uh, में रेफरेंस दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एज मशीन नंबर ऑफ पोल्स आर गिवेन एज टू frequency is given as 50 Hertz okay. rating is given as 250 MVA okay. kinetic energy okay, which is also you can say GH this kinetic energy also equal to GH it is given as 1000 mega joule okay. and N is means system is running. सिस्टम किस स्पीड पर रन कर रहा है इट इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड सो सिंक्रोनस स्पीड एन एस वट इज एन एस एन एस इज वन ट्वेंटी एफ बाई पी वट इज द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी हर्ट्स ओके एंड देन हाउ मच इज नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ पोल्स आर टू नंबर ऑफ पोल्स आर टू तो वट विल बी द वैल्यू इनफैक्ट दिस विल बी If you see this is 3000, because okay, this is Ns, Ns is given like this. Well, uh, so it is asking what will be the delta, okay. the values, different values that are given, we are we have taken note of this. So, first of all, in this case, since frequency is given as 50 hertz, okay, because it is a 50 cycles, then we can find out the time. Time interval at after which we want to know the rotor angle because, in question, what is asked, what is required, it is required as delta t. Question is asking for what is delta t. So, this is 50 hertz, okay. So, after how many cycles it is asking, it is asking after 5 cycles what will be the delta value, and delta naught is given as 10, okay. Initial rotor angle is given as 10. Well, so, uh, we can write so this is uh, T uh, 5 cycle after 5 cycle we have to evaluate okay. So, this will be 1 upon 50. So, what will be this will be 1 0 after uh, we, we can say that after 0 0.1 second we have to require because this is after 5 cycle we have to require and this is 1 by 50. So, basically the time. T, the T is zero point one second. Now, as I said, the swing equation during uh, explaining swing equation that m is also equal to gh upon one eighty f. So m is gh. What is gh? Gh is also kinetic energy. Gh is also kinetic energy. So we can write what is the kinetic energy value given? It is given as one thousand megajoule. Okay. Beside this is 180 and frequency is given as 50. Frequency is given as 50. So 50. If you see this, we can say this 0 0 cancelled out. This is 2. So this will be 1 by 9. Okay. So this inertia uh, constant will be 1 by 9. Okay, per second square uh, means uh, it is a inertia constant. In fact, so alpha. We have to find alpha. Because as per swing equation, you know P A is also equal to m alpha. So, we can find alpha. What is P A? P A is the power de delivered. Okay, So, power delivered is given as how much power delivered given? Power delivered is given as okay, uh, 60 megawatt. So, 60 megawatt. So, we can say this is 60 upon how much is this? This is 1 by 9, because we have evaluated just now. Okay, we have evaluated just now this L. Uh, so, this is 60 by this, this will be 540. Okay. This is alpha, this is power delivered. So, we got alpha. Now we know the second equation of motion which is also applicable on rotor angle. So, alpha t is also equal to alpha naught, which is the initial rotor angle, ok, and this is 1 by 2. You remember that equation that we studied even in high school days as equal to okay, ut uh, U U t plus half at square or gt square. That okay, the so, similar equation is uh, you know relevant here. So in this is delta t is also delta naught plus half alpha t square. Okay, because this ut is here t is zero, so at time t equal to zero it is the initial rotor angle. So this is how much this is given as 10 if you remember this is given initial rotor angle is given as 10 electrical degree okay so this is 10 0.5 okay, multiplied by how much alpha we got alpha we got uh, you know this 60 by 1 and this is 540 so we can write 540 multiplied by t square how much was t t was coming as 0.1 second okay so this was 0 0.1 second

7 so basically answer will come as 12.7 electrical degree it will be 12.7 electrical degree so we will be able to we will be able to means with the help of this equation we are able to find out the angle after uh, five cycles delta okay so basically with the single equation वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द रोटर पोजिशंस ओके एंड बेसिकली इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें आसानी से तो स्विंग इक्वेशन हमको विद द हेल्प ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन रोटर एंगल और पावर एंगल या लोड एंगल जिसको कहते हैं उसकी पोजिशन को डिफाइन करने में मदद दे करती है और हम इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये रोटर एंगल और जो पावर एंगल है दैट ऑल्सो अस मीन्स बिकॉज इफ दिस इज पी दिस इज डेल्टा तो इट टेल्स अस दैट दिस विद अ डिस्टर्बेंस दिस रोटर एंगल विल चेंज सो दिस रोटर एंगल शुड कम टू सम समेबल पोजिशन जिससे अगर हम स्टडी स्टेट लिमिट की बात करें तो वो स्टडी पोजिशन पर रिटेन कर पाएगा या नहीं या एल्फा जो है या डेल्टा जो है वो डेल्टा मैक्स लिमिट्स के अंदर ही सस्टेन करेगा स्विंग इक्वेशन हमारी मदद करती है और अंततः अगर हम कहें तो स्टेबिलिटी के मायने इट इज ए स्टेबल इट इज़ ए एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू विदस्टैंड एनी डिस्टर्बेंस एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट वंस द डिस्टर्बेंस हैज़ एक्टेड और इट इज स्टिल प्रजेंट और इट हैज़ बीन रिमूव्ड विद इन ए सर्टन टाइम फ्रेम सो दे आर अदर मैथड्स ऑल्सो लाइक ग्राफिकल मैथड वी विल डिस्कस